मनोज बाजपेयी ने मनाया अपना बर्थडे बी टाउन के स्टार्स के साथ। तब्बू, सिद्धार्थ मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी, सोनू सूद, अनुपम खेर जैसे कई स्टार्स हुए शामिल इस पार्टी में। रणबीर कपूर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र को नहीं करना चाहते हैं सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के साथ रिलीज। इसलिए खबरें ये आ रही है कि ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट हो सकती है पोस्टपोन। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रियला है प्रेग्नेंट। इस न्यूज को खुद अर्जुन ने किया अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस। उन्होंने लिखा, ब्लेस्ड टू हैव यू एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, थैंक यू बेबी फॉर दिस बेबी। महेश भट्ट को स्लैम किया था रंगोली ने कुछ दिन पहले। इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए विक्रम भट्ट ने किया रंगोली को स्लैम और फेसबुक पर किया एक लंबा चौड़ा मैसेज शेयर। सलमान खान और कटरीना कैफ की शादी की दुआ कर रहे हैं फैंस। भारत ट्रेलर देखने के बाद फैंस सलमान और कटरीना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अब शादी करने के बारे में सोचे। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में अब दिखेंगे शाहरुख खान भी। इस फिल्म में एक कैमियो करते दिखेंगे एसआरके। इस फिल्म के फ्लैशबैक सीक्वेंस में होगा एसआरके का एक अहम पार्ट। अक्षय कुमार ने लिया पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू और इंटरव्यू के दौरान मोदी जी ने खींची ट्विंकल खन्ना की टांग और कहा कि ट्विंकल सारा गुस्सा उन पर ही निकालती है, इसलिए अक्षय कुमार का पारिवारिक जीवन सही चल रहा होगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के सॉन्ग लॉन्च के दौरान टाइगर श्रॉफ ने की बात आलिया भट्ट के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में। सुनिए क्या कहना है उनका। I believe you have song, you have done a song with Alia Bhatt, a promotional song. Yes. So how was it? How was the experience? Am I allowed to say yes? I am. You have said. I am. Both the girls next to you are heartbroken. It was a very, very fun experience. It was a very different sort of a song that I've shot. I personally haven't done something like that before, and working with Alia was an amazing experience. Her being such a big star, you know, it was just so easy to work with. She was being so open on set and so hardworking, you know, even after achieving so much. So it was really inspiring being around her. Because when we met her recently, she said that I'm not a dancer, unlike she mentioned Varun Dhawan and you, unlike Tiger and Varun. So she doesn't have that dancers, that body. So. I'm pretty sure she'll prove you guys wrong in this song. She's done a great job. क्या तैमूर अली खान दिखेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 10 में? इसका जवाब दिया डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा ने। देखिए क्या कहना था इनका। I wanted to ask you, like, you know, few months back, like last year, we saw a video with Kareena Kapoor telling you that maybe Taimur can do Soti 10. So what's, how would you react to that? I'm hoping you guys like this film, and that's when we can take the franchise further. And if we do manage to go to Soti 10, I'm sure that would be Taimur. कटरीना कैफ का नाम सामने आ रहा है टू प्ले पीटी उषा's कैरेक्टर। पहले प्रियंका चोपड़ा को कंसीडर कर रहे थे मेकर्स। अगर ये कंफर्म हुआ तो कटरीना की पहली बायोपिक फिल्म होगी ये।